प्यारे बच्चों, मनुस्मृति का अध्ययन हम कर रहे हैं। मनुस्मृति के अध्ययन करते हुए हम आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं और 67वें श्लोक से आज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मनु स्त्रियों के संस्कार के बारे में हमें बता रहे हैं। तो देखिए, मनु क्या बताते हैं। मनु बताते हैं, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वेदिके स्मृत है पति सेवा गुरौ वासो गृह अर्थो अग्नि परिक्रिया। देखिए, मनु इस श्लोक में बताते हैं स्त्रियों के संस्कार के विषय में कि स्त्रीणाम वैवाहिको विधि, स्त्रीणाम स्त्रियों की वैवाहिको विधि, विवाह की विधि, ये स्त्रियों की विवाह की विधि ही वैदिक संस्कारों स्मृत है। वेद उनका वैदिक संस्कार कहा गया है, यानी कि जो स्त्रियों की जो विवाह की विधि है उसी को ही उनका वैदिक संस्कार कहा गया है। आगे क्या कहते हैं मनु कि पति सेवा गुरु वासो, कि पति की सेवा करना, और मतलब पति सेवा, पति की सेवा करना ही गुरु वासो उनके लिए गुरुकुल में निवास करना है। गृह अर्थो और घर के, गृह अर्थो अग्नि परिक्रिया, गृह अर्थो यानी कि घर के कार्यों को करना ही अग्नि परिक्रिया, घर के कार्यों को करना ही उनका अग्नि परिक्रिया अग्निहोम माना गया है। तो मनु बताते हैं कि वैवाहिक विधि है जो स्त्रियों की, उसको तो उन्हें उनका वैदिक संस्कार कहा गया है, और पति की सेवा करना उनके लिए गुरुकुल में निवास करने के समान है। गृह अर्थ और घर के कार्य का संपादन करना उनके लिए अग्नि परिक्रिया यानी कि होम आदि की क्रिया को माना गया है, यानी कि जिस प्रकार हवन आदि क्रिया को ब्रह्मचारी करते हैं उसी प्रकार घर के कामों को, घर के कार्यों को ही स्त्रियों के लिए अग्निहोम के समान माना गया है। तो दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को, इस श्लोक को, बहुत ही सरल है। मनु कहते हैं कि स्त्रीणाम वैवाहिको विधि, स्त्रियों के लिए विवाह की विधि वेदिके संस्कारों स्मृत है, उनका वैदिक संस्कार कहा गया है। पति सेवा गुरो वासो, उनके लिए पति की सेवा करना ही गुरो वासो गुरुकुल में निवास है। गृह अर्थ और घर के कार्यों का संपादन करना अग्नि परिक्रिया अग्निहोम उनके लिए माना गया है। अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं। एस प्रोक्तो द्विजाति नाम ओपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजक है पुण्य कर्म योगम निबोधत। तो देखिए, इस श्लोक में मनु कर्म योग के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं ब्रह्मचारियों के लिए एस कि यह द्विजाति नाम, द्विजाति नाम यानी कि द्विजातियों की, ब्रह्मचारियों की, ठीक है। एस द्विजाति नाम, यह द्विजातियों की उत्पत्ति व्यंजक है, उत्पत्ति की व्यंजक, उत्पत्ति व्यंजक है, उत्पत्ति की व्यंजक, पुण्य है पवित्र, पुण्य है पवित्र, ओपनायिके विधि, ओपनायनिके विधि, उपनयन संस्कार की विधि का प्रोक्त है, मैंने कथन किया, क्या है ना, प्रोक्त मैंने कथन किया है। कर्मयोगम निबोधत, अब मनु क्या कहते हैं, अब कर्मयोगम निबोधत कि अब तुम कर्मयोग को जानो। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को, मन इस श्लोक को, सॉरी, जो लौकिक साहित्य में हैं जितने भी पद्य भाग उनको श्लोक कहते हैं, वैदिक में चलने वाले जो पद्य भाग उसको मंत्र बोलते हैं। तो मनु कहते हैं इस श्लोक में कि एस यह द्विजाति नाम, द्विजातियों के, द्विजातियों की उत्पत्ति व्यंजक, उत्पत्ति की व्यंजक या उत्पत्ति का कथन करने वाले उपनायको विधि, ये उपनयन संस्कार की विधि प्रोक्तो पुण्य जो पवित्र है प्रोक्तो वह मैंने आपको बतला दी है। कर्म योगम निबोधत, अब आप कर्म योग को समझो। तो मनु कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि मनु अन्य सभी जिज्ञासु ऋषियों से कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के तीनों द्विजातियों की उपनयन संस्कार की विधि का आपसे वर्णन किया है। अब मनु कहते हैं, अब ये उपनयन संस्कार की जो विधि है द्वितीय जन्म के उपलक्षक है, यानी कि जब ये, इसलिए ब्रह्मचारियों को द्विज कहते हैं, ये दूसरे जन्म के उपलक्षक है और पुण्य पवित्रकारी है। कहते हैं कि मनुष्य संस्कार करने के बाद ही द्विज कहलाता है। इसके लिए क्या कहते हैं, छोटा सा श्लोक भी है, जन्मना जायते शूद्रे संस्कारा द्विज उच्यते, कि जन्म से तो व्यक्ति शूद्र ही होता है लेकिन संस्कारों से वह द्विज कहलाता है।
तो एक बार इस श्लोक को दोबारा सुन लीजिए। मनु कहते हैं एष द्विजाति नाम, कि यह द्विजातियों की उत्पत्ति व्यंजक है। उत्पत्ति की व्यंजक पुण्य और पवित्र उपनायनिको विधि, उपनयन संस्कार की विधि प्रोक्त तो मैंने आपको कही है। कर्मयोगम निबोधत, अब आप कर्मयोग को जानो। ठीक है, आगे के श्लोक में मनु कर्मयोग के बारे में क्या बतलाते हुए कहते हैं, देखिए। यानी उपनयन संस्कार जब गुरु कर लेता है अपने पास शिष्यों को, जब उपनयन संस्कार करके विद्या आरंभ करने के लिए रख लेता है, उसके बाद देखो आगे उनके लिए क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, इसके बारे में मनु बताते हैं। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षित सोचमादित आचारम अग्नि कार्यम चय संधि उपासना में ये विचय। इसमें मनोपिनय संस्कार के बाद गुरु के प्रति शिष्य का क्या, शिष्य के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। कहते हैं मनु कि गुरु शिष्यम उपनीय, कि गुरु शिष्य का उपनीय, उपनयन संस्कार करके, गुरु ऊपर वाली लाइन है उपनीय गुरु शिष्यम, तो गुरु गुरु शिष्यम शिष्य का उपनीय उपनयन संस्कार करके आदित है, एंड एम दे एंड एंड में दे रखा है फर्स्ट लाइन में आदित है, सर्वप्रथम आदित्य सर्वप्रथम सोचम आचारम, सर्वप्रथम उसे सोचम पवित्रता, आचारम आचरण, आचारम आचरण, अग्नि कार्यम च और अग्नि कार्य की, तथा संध्योपासनम एव च और संध्योपासना की शिक्षित शिक्षा प्रदान करें। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे पवित्रता, आचरण, अग्नि कार्य यानी कि होम आदि कार्य, संध्योपासना में संध्या काल में उपासना की शिक्षित शिक्षा प्रदान करें। मनु का कथन है कि जब गुरु बालक का उपनयन संस्कार करके अपने गुरुकुल में उसे ब्रह्मचारी बना दे, तब गुरु का कर्तव्य है कि वही ब्रह्मचारी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे, और इसके लिए सर्वप्रथम स्नान आचमन द्वारा पवित्र करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और उसके बाद सदाचार पूर्वक परस्पर व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसके पश्चात यज्ञ आदि करने की विधियों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और उसके पश्चात संध्या काल में यानी कि मध्यान्ह संध्या या साय संध्या की उपासना विधि की शिक्षा भी शिष्यों को प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार क्रम से गुरु का यही प्रथम कर्तव्य है। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार। मनु कहते हैं कि गुरु शिष्यम उपनीय, कि गुरु शिष्य का उपनीय उपनयन संस्कार करके आदित्य सर्वप्रथम सोचम पवित्रता की, आचारम आचरण की, अग्नि कार्य और होम आदि कार्य की, संध्योपासनम एव च तथा संध्योपासना की शिक्षित शिक्षा प्रदान करे। यह संध्योपासना से तात्पर्य है कि प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। जब प्रातःकालीन दिन और रात को खत्म होने का मध्य जो वक्त होता है वो प्रातःकालीन संध्या, उसी प्रकार रात को दिन खत्म होने का रात्रि सूर्य होने के मध्य का जो भाग है उसको सायंकालीन संध्या कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं मनु क्या कहते हैं। देखिए मनु कहते हैं अध्येश माण है तु वाचांतो यथा शास्त्र उदंग मुखे ब्रह्मांजलि कृतो अध्यापियो लघुवासा जितेंद्रिय। देखिए इस श्लोक में मनु अध्यापन के योग्य जो शिष्य है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं। कहते हैं सर्वप्रथम मनु अध्येश माण है कि अध्ययन करने का इच्छुक, अध्येश माण है अध्ययन करने का इच्छुक, यथाशास्त्रम शास्त्रों के अनुसार आचांत है आचमन किया हुआ, यथाशास्त्रम शास्त्रों के अनुसार आचांतो आचरण आचमन किया हुआ, आचांत यानी कि आचमन किया हुआ, उदंग मुखे यानी उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ, उदंग मुखे उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ, ब्रह्मांजलि कृते ब्रह्मांजलि किए हुए यानी कि दोनों हाथों को जोड़कर बैठे हुए, ब्रह्मांजलि किए हुए, लघुवासा अल्प वस्त्रधारी, लघु वाषा लघु यानी कम वाषा यानी वस्त्र को धारण करने वाला यानी कि अल्प वस्त्रधारी, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रियों को वश में किए हुए, अध्याप्य जो शिष्य है वही अध्याप्य अध्यापन के योग्य है। देखो शिष्य कितनी विशेषता बताई यहाँ पे कि अध्ययन करने का इच्छुक शिष्य शास्त्रों के अनुसार आचमन किया हुआ हो, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हो, ब्रह्मांजलि किए हुए हो, अल्प वस्त्रधारी यानी कम वस्त्र धारण किए हुए हो, इंद्रियों को जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को वश में किए हो, ऐसा ही शिष्य अध्याप्य अध्यापन के योग्य है। तो दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार। मनु कहते हैं अध्येश माणे कि अध्यापन करने का इच्छुक शिष्य यथाशास्त्रम आचांतो
शास्त्रों के अनुसार आचमन किया हुआ उदंग मुखे उत्तर की ओर बैठा हुआ ब्रह्मांजलि कृतो ब्रह्मांजलि किए हुए लघुवासा अल्प वस्त्रधारी जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में किए हुए होने पर ही अध्यापियों अध्यापन के योग्य है कि ऐसे गुणधर्म वाले शिष्यों को ही पढ़ाना चाहिए। मनु यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। देखिए अगला श्लोक हम देखते हैं, मनु क्या कहते हैं कि इसमें पहले वाले श्लोक में आते हैं ब्रह्मांजलि। तो ब्रह्मांजलि शब्द को स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि ब्रह्मारंभे अवसाने चे पादव ग्राव गुरु सदा संरत्य हस्तव अध्ययम से ही ब्रह्मांजलि कृते। देखिए इस श्लोक में मनु ब्रह्मांजलि क्या है इसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। मनु कहते हैं कि ब्रह्मारंभे, ब्रह्म यानी कि वेद, आरंभ यानी कि आरंभ में, कि वेदाध्ययन के आरंभ में, अवसाने चे और वेदाध्ययन के अंत में गुरुपादो गुरु के चरणों को सदा सदैव ग्रायो स्पर्श करना चाहिए। कह रहे हैं ब्रह्मारंभ वेदाध्ययन के प्रारंभ में, अवसाने चे और अंत में गुरुपादो गुरु के चरणों का सदा सदैव ग्रायो स्पर्श करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, से ही वह हस्तव संरत्य यानी कि हाथों को जोड़कर, संरत्य यानी कि जोड़कर, हस्तव यानी कि हाथों को, दोनों हाथों को जोड़कर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि वह ब्रह्मांजलि स्मृत है कि वही ब्रह्मांजलि कहलाती है, यानी कि दोनों अंजलि यानी हाथों को जोड़कर बैठकर अध्ययन करना ही ब्रह्मांजलि कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए मनु, इस श्लोक में ब्रह्मांजलि को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि वेदाध्ययन प्रारंभ करने से पहले अध्ययन की समाप्ति के पश्चात दोनों ही समय सदैव नित्य गुरु के चरणों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए, साथ ही अपने गुरु के सम्मुख अध्ययन करते समय भी दोनों हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। इसे ही धर्मशास्त्र में ब्रह्मांजलि कहा गया है। दोबारा सुन लीजिए मनु क्या कहते हैं इस श्लोक में कि ब्रह्मारंभ कि वेदों के अध्ययन के प्रारंभ में, अवसाने चे और वेदाध्ययन के अंत में गुरुपादो गुरु के चरणों का सदा सदैव ग्रायो स्पर्श करना चाहिए, हस्तों संरत्य हाथों को जोड़कर अध्ययन करना चाहिए ही क्योंकि सह वह ब्रह्मांजलि स्मृत ब्रह्मांजलि कहलाती है। अब अगला श्लोक देखते हैं, मनु क्या कहते हैं। व्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरु सव्येन सव्ये स्पृष्टव्यो दक्षिणेंचे दक्षिण है। देखिए मनु यहाँ फिर ब्रह्मांजलि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरु का उपसंग्रहणम चरण स्पर्श। देखो इस लाइन में एंड में दे रखा है कि गुरु का उपसंग्रहणम चरण स्पर्श व्यस्त पाणिना यानी कि हाथ परिवर्तन के द्वारा कार्यम करना चाहिए, हाथ परिवर्तन द्वारा करना चाहिए, अर्थात हाथ दोनों हाथों को क्रॉस टाइप में करके गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, यानी कि दाएं हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बायां पैर स्पर्श करना चाहिए। देखो आगे इसको स्पष्ट करते हुए कहते भी हैं मनु कि सव्येन यानी कि बाएं पैर हाथ से सव्य बायां पैर स्पृष्टव्यो स्पर्श करें, उसी प्रकार दक्षिणेंचे दक्षिणे और दक्षिणेन दाएं हाथ से दक्षिणे दक्षिण पैर का स्पर्श करें। कह रहे हैं शिष्यों को सदैव अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और इसकी विधि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यस्त पाणिना यानी हस्त परिवर्तन के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचारी को बाएं हाथ से गुरु का दायां चरण, बाएं हाथ से गुरु का बायां चरण, दाएं हाथ से गुरु का दायां चरण स्पर्श करना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए इस श्लोक को, मनु कहते हैं कि गुरुः उपसंग्रहणम कि गुरु के चरणों का स्पर्श व्यस्त पाणिना यानी कि हस्त परिवर्तन के द्वारा कार्यम करना चाहिए, सव्येन बाएं हाथ से सव्य बायां पैर स्पृष्टव्य स्पर्श करना चाहिए, दक्षिणेंचे और दक्षिणेन दाएं हाथ से दक्षिणे दक्षिण पैर यानी कि दायां पैर स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं हस्त परिवर्तन द्वारा यानी कि हाथों को क्रॉस टाइप में करके दाएं हाथ से दायां पैर बायां हाथ से बायां पैर स्पर्श करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगला जो अध्ययन करेंगे अगले श्लोक का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आगे जो श्लोक हैं, बाकी 150 श्लोक हैं, हमने 72 आज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।